हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अपना प्रॉपर्टी अपनी की। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 123 सेक्टर में 110 गज में बना हुआ एक डेढ़ मंजिल विला जो कि हमारा होने वाला है 3 BHK। बात कर लूँ सोसाइटी की तो बहुत ही छोटी सोसाइटी होने वाली है। बात करूँ यहाँ पे आप देख रहे हैं विला यहाँ पे जो है हमारा एंड हो जाता है। यहाँ पे टोटल जो आपको विला देखने को मिलता है वो 10 विला देखने को मिलता है। साथ में बात करूँ मैं यहाँ पे सीवरेज की, इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर सप्लाई की, तो 24/7 आपको ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती है। बात करूँ मैं इंटरनल रोड की तो आप देख रहे हैं जो रोड है ये 35 फुट वाइड आपको रोड देखने को मिलती है। मैं बात करूँ सारी जो हमें यहाँ विला देखने को मिलता है सबका एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन जो है वो आपको सेम देखने को मिलता है। साथ में आपको जो एलिवेशन है इसमें ग्लास पैनल देखने को मिलता है। बात करूँ छोटी सोसाइटी का जो फ़ायदे हमारे को होते हैं कि 10 से 12 फैमिलीज मिलती है, तो आपको कोई भी सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट करना हो या कोई भी चेंजेस करवाना होता है तो आप सबकी सहमति से इजीली करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कनेक्टिविटी की, तो जो हमारा मेन कनेक्टिविटी है ये आप देख सकते हैं जो सन इनक्लेव के अंदर 200 फिट वाइड रोड आता है। आपको मैं भी रोड दिखाता हूँ, आप मेरे सामने देख रहे हैं कि वहाँ पे जो मेन हमारा 200 फीट वाइड रोड है जो सनी के अंदर आता है वहाँ पे भी ऑलरेडी गाड़ियाँ चल रही है। वहाँ से मैक्सिमम जो आपका डिस्टेंस होने वाला है वो 150 से 100 मीटर के डिस्टेंस पे ये हमें सोसाइटी देखने को मिलता है। अभी हम अंदर जाके देखेंगे कि जो हमारा 110 गज में बना हुआ विला है वो अंदर से देखने में कैसा दिखता है। बात कर लेते हैं हम इसके फ्रंट की, तो जो हमारा फ्रंट होने वाला है वो 22x45 का हमारा पूरा डायमेंशन होने वाला है। फ्रंट गेट की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा हमें गेट देखने को मिलता है। आप इजीली कोई भी गाड़ी यहां से पार्क कर सकते हैं। पार्क के लिए हमें बहुत अच्छा यहां पे एक एरिया देखने को मिलता है, साथ में एक छोटा सा बालकनी एरिया आपको हमारे लेफ्ट हैंड साइड में भी देखने को मिलता है। इसी के साथ जैसे ही हम अपने कोठी के अंदर जाते हैं साथ में आपको स्टेयर मिलता है जो कि आपको ऊपर लेके जाता है जहाँ पे कि हमारा 1 BHK का कंसेप्ट है। जो हमारा 2 BHK का कंसेप्ट है वो आपको नीचे देखने को मिलता है। इसी के साथ मैं इस विला का एक आपको खास बात बता दूं कि ये ऑलरेडी 110 गज में बना हुआ है और जो कवर्ड एरिया की हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे ऑलरेडी ये सारा कवर्ड एरिया है, मतलब आपने सारी एरिया को यूज करके 110 गज में बनाया हुआ है। साथ में बात कर ले कि अभी ये डेढ़ मंजिल बना हुआ है लेकिन जो यहाँ पे पास हुआ है यानी आप इन फ्यूचर अगर आपको बनाना है आगे तो आप 2.5 मंजिल तक बना सकते हैं। एक इस विला का और फायदा मैं आपको बता दूं कि अभी अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आप ऊपर वाले फ्लोर पे रह सकते हैं, नीचे वाले फ्लोर को इजीली रेंट आउट कर सकते हैं। अगर आप नीचे रहना चाहते हैं तो ऊपर वाले फ्लोर को इजीली रेंट आउट कर सकते हैं बिकॉज इसका जो स्टेयर है वो बाहर से होके जाता है। साथ में मैं बात करूँ आपके जो हमारा ड्रॉइंग प्लस डाइनिंग एरिया का डायमेंशन है वो आपको 20x13 का देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है जो कि इस विला में एक खूबसूरती का काम करती है। साथ में मैं बात कर लूँ यहाँ पे अपने फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग में आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग में हमें वुडवर्क का काम बहुत ही अच्छे तरीके से करके दिया जा रहा है जिससे कि हमारा जो फॉल सीलिंग है और ही ज़्यादा निखर के आ रहा है। साथ में आप इस वीडियो में जो भी चीज़ें दिख रहे हैं जैसे आपको वॉलपेपर हो गया, फॉल सीलिंग होगी एंड साथ में जो आपको ये टीवी पैनल वगैरह दिख रहा है आपको एज इट इज मिलने वाला है जब आप इस विला को परचेज करेंगे। साथ में मैं बात करूँ जो AC डक्टिंग का हमारा काम होता है जो हम बाद में लोग डलवाते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो AC का डक्टिंग है वो भी डला हुआ मिलता है। साथ में बात करते हैं कि जो हमारा ड्रॉइंग प्लस डाइनिंग एरिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ही बड़ा आपको TV पैनल जो है वो ऑलरेडी आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर हम बात करें अपने किचन का, तो जो हमारा किचन है ड्रॉइंग प्लस डाइनिंग एरिया के साथ ही मिलता है एंड साथ में जैसे ही आप एंटर करते हैं उसी के साथ आपका यहाँ पे किचन मिलता है। किचन के हम साइज की अगर बात करें तो 8x8 का हमारा डायमेंशन होने वाला है। किचन के साथ भी आपको एक वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छी विंडो देखने को मिलती है। किचन में भी आपको फॉल सीलिंग देखने को मिलती है। बात करें इस घर में इंटीरियर और पेंट का, तो व्हाइट कलर का आपको पेंट करा हुआ मिलता है। साथ में जो जितने भी यहाँ पे आपको फिटिंग्स मिलती है बोर्ड और इलेक्ट्रिसिटी की वो भी आपको व्हाइट कलर के ही मिलते हैं। और इसी के साथ में किचन में आपको जैसे हर किचन में आपको यहाँ पे चिमनी के प्रोविजन देखने को मिलता है, साथ में आपको जो है गीजर का फैसिलिटीज देखने को मिलती है। बात कर लें यहाँ पे फिटिंग्स की, तो सारी फिटिंग आपको सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ देखने को मिलती है। एज इट इज अगर आप तेज से भी इसको छोड़ते हैं तो ये आराम से होके नीचे जाता है। साथ में बात कर ले तो हमारा कबर्ड जो है इसके अंदर काफी स्पेसियस देखने को मिलता है। आप देखिए सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ हमें ये देखने को मिलता है, अगर हम इसको तेज से भी छोड़ेंगे तो ये आराम से जाके बंद होता है। यहाँ पे जो आपको सिंक देखने को मिलता है वो सारे सिंक आपको देखने को मिलते हैं।
टाइल कॉम्बिनेशन एंड जो ग्रेनाइट का कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छी तरीके से यूज। बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम का जो कि होने वाला है। अगर बेडरूम के डायमेंशन की हम बात करें तो आपका डायमेंशन होने वाला है 11x13 का। साथ में इस बेडरूम के मैं आपको खास बात बता दूं कि इस बेडरूम में भी आपको जो टीवी पैनल, कबर्ड, वॉलपेपर, फॉल सीलिंग आप जैसे इस वीडियो में देख रहे हैं आपको एज इट इज प्रोवाइड किया जाएगा जब ये आप विला परचेज करेंगे। आप देख सकते हैं काफी यूनिक तरीके का यहाँ पे वॉलपेपर यूज किया गया है। मैं कबर्ड की अगर बात करूं तो कबर्ड आपको यहाँ पे फुल लेंथ का देखने को मिलता है, साथ में काफी ज्यादा स्पेसियस आपको कबर्ड भी देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि कबर्ड में हमारा कितना ज्यादा स्पेस है। साथ में अगर आपको सीजनेबल जो कपड़े होते हैं वो आप ऊपर वाले ड्रॉअर में रख सकते हैं जो कि इजिली स्पेसियस हमारे को देखने को मिलता है। बात करें हम टीवी पैनल की तो यहाँ पे आपको इस विला में टीवी पैनल भी एज इट इज देखने को मिलता है। साथ में मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपको छोटा सा वॉशिंग एरिया दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका जो हमारा एंट्रेंस है वो सेकंड रूम से देखने को मिलता है, बट यहाँ पे एक विंडो के थ्रू उसको कवर किया गया है तो यहाँ से आपको वेंटिलेशन के लिए काफी अच्छा एक व्यू देखने को मिल जाता है। साथ में हम बात कर लेते हैं अपने वॉशरूम की तो 6x7 का हमारा वॉशरूम होने वाला है। साथ में इसके भी आपको वेंटिलेशन के लिए एक विंडो छोटी सी देखने को मिलती है। आपको मैं बता दूं कि ये जो कोठी सारे हमने आपको दिखा रहे हैं ये सारी न्यू बिल्ड कोठी है, तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं जो यहाँ पे सैनिटरी चीजें होती है वो लगी नहीं हुई है। और यहाँ पे आपको फिटिंग्स की मैं बात करूँ तो सारी चीजें जो आपको मिलने वाली है वो सारा की फिटिंग मिलने वाली है। अब इसी के साथ हम चलते हैं अपने दूसरे बेडरूम में। इसी के साथ हमारा जो अटैच दूसरा बेडरूम देखने को मिलता है इसकी भी अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो आपको डायमेंशन बिल्कुल मिलता है 11x13 का, सेम साइज होने वाला हमारा बेडरूम का। साथ में मैं बात कर लूँ अपने वॉलपेपर का तो यहाँ पे आपको एक टोटली डिफरेंट कंसेप्ट पे वॉलपेपर मिलता है। ड्रॉअर की बात करूँ तो यहाँ पे अगेन फुल साइज का आपको ड्रॉअर देखने को मिलता है और काफी स्पेसियस आपको ड्रॉअर मिलता है। साथ में आपको टीवी पैनल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक अलग तरीके से टीवी पैनल को डिजाइन किया गया है। और फॉल सीलिंग की बात करूँ तो हमारे फर्स्ट बेडरूम से सेकंड बेडरूम का फॉल सीलिंग टोटली अलग देखने को मिलता है। अगर मैं वॉशरूम की बात करूँ तो 6x7 का अगेन आपको वॉशरूम देखने को मिलता है। इसमें फिटिंग्स की बात करूँ तो सारी आपको सेरा की फिटिंग देखने को मिलेगी और जो टाइल्स यूज किया गया है उसको हाफ लेंथ तक यूज किया गया आप देख सकते हैं। और टाइल का भी कॉम्बिनेशन जो हमारा मेन दीवार है उसको हाईलाइटर टाइल से हाईलाइट किया गया है। और हम दरवाजे की अगर बात करते हैं तो दरवाजे आपको बता दूं कि अच्छी बिल्ड क्वालिटी के इसमें सारे दरवाजे यूज किए गए हैं। इसी के साथ में जो आपको वॉशिंग एरिया की बात कर रहा था ये हमारा वो वॉशिंग एरिया, एक छोटा सा वॉशिंग एरिया मिलता है। और साथ में मेन आपका जो दोनों बेडरूम है उसमें वेंटिलेशन के लिए आपको ये वाला एरिया मिलता है जहां से कि आपको वेंटिलेशन, यहाँ पे फिलहाल बोर्ड लगा हुआ है तो यहाँ से आपको वेंटिलेशन बहुत ही अच्छी आएगी। इसी के साथ हमें जैसे ही मैं अपने नीचे वाले फ्लोर में एंटर करता हूँ उसी के साथ हमारे साथ में स्टेयर मिलती है जिसके थ्रू हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेढ़ मंजिल का कंसेप्ट है तो आपको जो है ऊपर वो 1 BHK का कंसेप्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ जो अक्सर हम ऊपर आते हैं ये छोटी सी बालकनी हमें देखने को मिलती है जिससे कि हम अपने फर्स्ट फ्लोर के बालकनी में आ जाते हैं और देख सकते हैं काफी स्पेशियस बालकनी है और यहाँ से हमें सारी सोसाइटी का एक बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलता है। आप देख लीजिए कितनी छोटी और कितनी अच्छी सोसाइटी है, प्रॉपर गेटेड सोसाइटी है। इसी के साथ यहाँ पे सेम कंसेप्ट जैसे हम अपने अंदर घुसते हैं हमें यहाँ पे किचन देखने को मिल जाता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि नई ये कोठी सारी बन रही है तो यहाँ पे अभी जो है किचन का काम हुआ नहीं है। अगर कोई परचेज करता है तो उसके लिए यहाँ पे उसी टाइम सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ हमारा जैसे एंटर करते हैं उसी के साथ हमारा यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट बेडरूम मिलता है। और मैंने जैसे आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो चीज़ें आपको दिख रही हैं आपको एज इट इज हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे एक मिरर कंसेप्ट में आपको टीवी पैनल देखने को मिलता है जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको एक अच्छे कंसेप्ट में वॉलपेपर देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करूँ तो यहाँ पे टोटली अलग तरीके से आपको फॉल सीलिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं अगर टीवी पैनल की बात करूँ तो यहाँ पे जो टीवी पैनल है वो भी काफी अच्छी तरीके से अलग कंसेप्ट पे यहाँ पे डिजाइन किया गया है। इसी के साथ में अगर बात करूँ तो इसमें जो ड्रेसिंग एरिया है जो हमारा कबर्ड वाला एरिया था उसको टोटली यहाँ पे सेपरेट रखा गया। आप देख सकते हैं काफी स्पेसियस हमें यहाँ पे कबर्ड देखने को मिलता है और इसको टोटली अलग रखा गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें अपने का तो इसमें भी आपको जितनी भी फिटिंग्स है वो सारी सारे की फिटिंग मिलती है। वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो दी गई है तो काफी अच्छा ये भी इसको पूरा अलग तरीके से सेपरेट रखा गया है। अगर मैं आपको खास बात बता दूं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि ये डेढ़ मंजिल बना हुआ है तो जो आपको फर्स्ट फ्लोर का जो एरिया मिलता है वो काफी खुला डुला मिल जाता है। देख सकते हैं आप काफी अच्छा हमें
वाइड एरिया में खुला छत मिल जाता है जहाँ पे आप काफ़ी अच्छी तरीके से इंजॉयमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक स्टेयर मिलता है जिससे कि आप सेकंड फ्लोर के जो स्टेयर है जहाँ पे हमारी टंकी वगैरह रखी हुई है वहाँ पे आप इजीली जा सकते हैं। तो आपको एक विला के अंदर जो एक खुला एनवायरनमेंट चाहिए था वो आपको इस छत पे आने के बाद मिल जाएगा। और कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ आपको तो ये रोड आप देख रहे हैं जो हमारे विला के साथ होके ये रोड जा रहा है ये सीधा आप देख रहे हैं वो 200 फीट वाइड रोड है जहाँ पे कार वगैरह चल रही है। इस विला की मैं आपको खास बात बता देता हूँ कि ये विला कहाँ पे है, कैसे कनेक्टिविटी होने वाली है, यहाँ पे क्या क्या हमें फैसिलिटीज मिलने वाली है और इसका प्राइस क्या होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। जैसे कि मैंने आपको 200 फीट वाइड रोड का कनेक्टिविटी बता दिया, इसके साथ जो फर्स्ट आपको बताऊं कि अगर कोई भी हॉस्पिटल या कॉलेज या आपको जो स्कूल्स वगैरह की नीड होती है ये सारी फैसिलिटीज आपको विद इन 10 मिनट के डिस्टेंस में मिलती है। चंडीगढ़ की बात करूँ मैक्स हॉस्पिटल आपको यहाँ से 10 मिनट के डिस्टेंस में मिल जाता है, आपको सीयू कॉलेज यहाँ से 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस में मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी के मामले में भी ये लोकेशन सबसे प्राइम होने वाली है। रेंटल इनकम के तरीके से अगर भी देखें तो भी ये प्राइम होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि ये 110 गज में जो विला बना हुआ है इसका प्राइस क्या होने वाला है। तो इसका प्राइस होने वाला है 73,90,000 रुपये। ये प्राइस नेगोशिएबल है। अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए हमसे या इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड अगर आपको कोई भी और क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।